नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। उर्वशी रौटेला और ऋषभ पंत के बीच इस महीने की शुरुआत में एक कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई थी। इस कंट्रोवर्सी में कभी दोनों ने एक दूसरे का नाम खुलकर नहीं लिया, लेकिन अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इन दोनों ने लगातार एक दूसरे को निशाने पर रखा। हालांकि अब जब ये वॉर खत्म होता दिखाई पड़ रहा है, तब उर्वशी ने एक बार फिर कुछ ऐसा किया है जो आरपी यानी ऋषभ पंत के फैंस को शायद बिल्कुल पसंद ना आए। आइए आपको बताते हैं कि उर्वशी ने अब ऐसा क्या कर दिया है। दरअसल ऋषभ और उर्वशी के बीच कभी कुछ था, ऐसा पहले कई बार मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है। हालांकि इसके पीछे कितनी सच्चाई थी ये तो यही दोनों जानते होंगे। इसी को लेकर उर्वशी ने पहले एक इंटरव्यू में कुछ बातें कही और फिर आए दिन सोशल मीडिया पर पोस्ट, जिसका जवाब ऋषभ पंत भी अप्रत्यक्ष रूप से दे रहे थे। लेकिन अब जब ऋषभ एशिया कप खेलने भारतीय टीम के साथ यूएई गए हैं, तो इधर पाकिस्तान से होने वाले मुकाबले से कुछ ही घंटे पहले उर्वशी ने एक और पोस्ट किया है। इस पोस्ट में उर्वशी ने अपनी एक अतरंगी फोटो पोस्ट की है और साथ में लिखा है, मैंने कहानी का अपना पक्ष ना बताकर तुम्हारी लाज बचा ली। हालांकि इसमें भी उन्होंने किसी का नाम नहीं लिखा है, लेकिन उनकी इस पोस्ट के बाद फैंस कयास लगा रहे हैं कि ये पोस्ट और इस पोस्ट की ये लाइन सिर्फ और सिर्फ ऋषभ पंत के लिए लिखी गई है। और देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय टीम के स्टार विकेटकीपर ऋषभ पंत इसका क्या जवाब देते हैं। फिलहाल वो नेशनल ड्यूटी पर है और भारत को एशिया कप दिलाने के लिए अपना दमखम लगा रहे हैं। ऐसे में उर्वशी को समझना चाहिए कि अभी वो पंत को मानसिक रूप से परेशान ना करे, क्योंकि इन चीजों से एक खिलाड़ी के खेल पर असर पड़ सकता है। वैसे भी पंत टेस्ट क्रिकेट के अलावा किसी और फॉर्मेट में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, और जो वो थोड़ा भी कोशिश कर रहे हैं तो उर्वशी है कि उन पर निशाना साधने का कोई मौका छोड़ती ही नहीं है। फिलहाल कैसे लगी आपको हमारी ये खबर, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।